क्या आप यकीन करोगे, इसे मैंने कार्डबोर्ड से बनाया है। चलो साथ में बनाते हैं। हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं क्राफ्टकारी नारी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 4 अमेजिंग किचन डेकोर DIYs जिन्हें मैंने बनाया है अपने घर में पड़े हुए वेस्ट मटेरियल से। ये पार्ट 1 होने वाला है, इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर से करिएगा। तो फर्स्ट DIY के लिए मैंने लिया है ये मिल्क पाउडर का एक खाली डब्बा। इस डब्बे को ना बहुत ही अलग अलग तरह से यूज किया जा सकता है, बट आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसानी से और फटाफट से बनने वाला एक DIY शेयर कर रही हूँ जो आपके किचन में बहुत काम आएगा। तो सबसे पहले मैंने इसके ऊपर जेसो अप्लाई कर लिया है और उसके बाद ली है मैंने ये आइसक्रीम स्टिक। एक्चुअली मैं इसमें रखने वाली हूँ जो वुडन स्पैचुला होते हैं ना, वो तो उसी की थीम से मिलता जुलता मुझे कुछ बनाना था जिससे कि एक प्रॉपर एस्थेटिक वाइब आ सके। तो मैं इसीलिए इसमें ये आइसक्रीम स्टिक्स का यूज़ कर रही हूँ। ये जो आइसक्रीम स्टिक मैं चिपका रही हूँ, किसी भी वाइट ग्लू से आप चिपका सकते हैं, बड़ी ही आसानी से चिपक जाती हैं। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आइसक्रीम स्टिक्स हैं इनके बीच में हल्का हल्का गैप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उससे ये देखिए देखने में बहुत सुंदर लगता है। पहले मैंने सोचा कि इसको ऐसे ही रहने देती हूँ, बट फिर मैंने सोचा नहीं, ये स्पैचुलास के कलर से तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था और मेरे पास कोई वुड स्टेन वगैरह भी नहीं था। तो मैंने क्या किया, जो एक्रिलिक कलर्स में ब्लू, ऑरेंज और रेड, ये तीनों कलर लिए और उनको मिक्स किया और ये कलर बन के रेडी हो गया। और ये मेरे वही जो स्पैचुला है ना, सेम वही कलर बन के तैयार हुआ है। तो बस स्पॉन्ज की मदद से इसके मैंने इसके ऊपर इसको अप्लाई कर दिया और ये बहुत 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 सुंदर लगा मुझे। तो अब बस इसके ऊपर मैंने जो बॉर्डर है वो क्रिएट कर दिया है, और क्योंकि अब हमें इसे किचन में यूज़ करना है तो बहुत ज़रूरी है हम इसके ऊपर वार्निश अप्लाई करें, क्योंकि वार्निश से जो डस्ट है, जो चिकनाई है, उससे हम इसे बचा सकते हैं। तो देखिए ये तो बन के रेडी हो गया, तो अब देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। नेक्स्ट DIY के लिए मैंने लिया है ये डब्बा। इस तरह के मेरे पास 2 है। इसका डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था जब मैंने इसे ख़रीदा था। इसको मैंने एक मेले में से ख़रीदा था और शायद 10 रुपये पर पीस के हिसाब से मुझे ये मिला था। मेलों में जो स्टॉल नहीं लगती, हर माल 10 रुपये, हर माल 20 रुपये, तो वहाँ इस तरह की बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, तो मुझे तो ऐसी चीज़ें लेना बहुत पसंद है। देखो मैंने क्या किया, मोल्डेड ले लिया और जो ढक्कन है ना उनके ऊपर इस तरह से लगा दिया, तो जो ऊपर का ढक्कन है उसका लुक पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। और ये हैं चॉक पेंट्स, दोनों कलर को लिया मैंने और मिक्स करके कुछ इस तरह का कलर बना लिया। बस स्पॉन्ज की मदद से इन जो डब्बे हैं इनको हम पेंट कर लेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जो हमारा कलर है डब्बों का वो सूख रहा है, तब तक हम ट्रे बनाने की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि मैंने सोचा इतने प्यारे से डब्बे बना रहे हैं तो उनको रखने के लिए खूबसूरत सी ट्रे भी बननी चाहिए। तो बस ऐसे मैंने कागज़ पर एक डिज़ाइन ड्रॉ किया और कार्डबोर्ड पर रख के उसे ऐसे कट कर लिया है। आपको इतने सारे पीसेस कट करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका जो कार्डबोर्ड है वो थोड़ा मोटा है तो। जो मेरा कार्डबोर्ड था वो काफ़ी पतला था, तो इसलिए मुझे इतने सारे पीस कट करने पड़े। आप बस 2-2 पीसेस ही कट करिएगा और आपका काम हो जाएगा। अब बस इनको चिपकाने के लिए मैं यहाँ जो कागज़ वाली टेप होती है ना उसका यूज़ कर रही हूँ, और अच्छे से इसको हम चिपका देंगे। मैंने 4 बना लिए हैं, 2 ये बड़े वाले और 2 ये छोटे वाले। और अब मैं ले रही हूँ फेविकॉल SR। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप यही लें, अगर आपके पास ग्लू गन है तो उसकी मदद से भी आप इन्हें चिपका सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो जो नॉर्मल फेविकॉल आता है उससे भी आप इन्हें चिपका सकते हैं, बस उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये जो फेविकॉल SR होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, प्लस बहुत जल्दी सूख जाता है, तो इसलिए मैंने इसमें इसका यूज़ किया है। और ये चारों तरफ से मैं इनको इस तरह से जोड़ दूँगी और जो एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड है उसको हम कट करके निकाल देंगे। तो देखिए अभी ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब इसके जो किनारे हैं उनको और अच्छे से फिनिशिंग देने के लिए चारों तरफ जो कागज़ वाला टेप होता है ना उससे मैं इसको कवर कर दूंगी, इससे इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ जाएगी। और मैंने इस टेप को अंदर बाहर दोनों तरफ से लगाया है जिससे कि इसकी मजबूती और ज़्यादा बढ़ सके। और दोस्तों यदि आपको मेरे वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर से कर दिया करिए, और ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आपके फैमिली फ्रेंड्स में किसी को भी आर्ट एंड क्राफ्ट करने का शौक़ है या आर्ट एंड क्राफ्ट करना पसंद है तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर से शेयर कर दीजिए।
तो देखिए इस तरह से मैंने टिश्यू पेपर से अच्छे से इसको कवर कर दिया है। और ये जब अच्छे से सूख जाए तो उसके बाद जो कलर हमने उन बॉक्सेस पे यूज़ किया था ना, वही कलर हम इसके ऊपर भी करेंगे। तो बस स्पॉन्ज की मदद से कलर कर लेना है अच्छे से। और ये देखिए ये कलर हो गया है। अब हम इसके ऊपर इसके लेग्स बनाएंगे। तो मैंने ये क्ले लिया है और उसे छोटे छोटे ऐसे रोल करके इसके लेग्स बना लिए हैं। चारों को मैंने फेविकॉल की मदद से ऐसे चिपका दिया है। और जब ये सूख जाए तो उसके बाद हम इसके ऊपर आगे कलाकारी करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये छोटे छोटे क्ले से बीड्स बना लिए हैं और फेविकॉल की मदद से मैं इनको वन बाय वन इसके चारों तरफ चिपका दूंगी। मैं जैसे जैसे इसका बॉर्डर बनाते जा रही थी ना, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। पहले मैं कुछ और बनाना चाहती थी, फिर मैंने सोचा कि नहीं इसे इसी तरह से बनाते हैं। और मेरे पास ना एक सिलिकॉन मोल्ड रखा हुआ है, उसमें क्ले को डाल करके बड़े अच्छे अच्छे आप डिज़ाइन उसमें से निकाल सकते हैं। अगर आपने मेरा ऑर्गेनाइज़र वाला वीडियो देखा हो जिसमें मैंने मोबाइल के खाली डब्बे से जो ऑर्गेनाइज़र बनाया था, वहाँ भी मैंने उसका यूज़ किया था। और देखिए हमारे जो ढक्कन है वो भी मैंने रेडी कर लिए हैं, ऊपर नीचे दोनों तरफ बॉर्डर बना दिया है। और अब आ रही है सारी चीज़ों को अच्छे से हाईलाइट करने की। तो हाईलाइट करने के लिए मैंने ये गोल्डन कलर लिया है। और ये जो कलर है इतना प्यारा कलर है, ये अभी गीला है तो थोड़ा इतना ब्राइट नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये सूख रहा था ना, इतना ज़्यादा ब्राइट हो गया, इतना प्यारा लग रहा था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। तो अच्छे से सारी चीज़ों को हम हाईलाइट कर देंगे। इसके जो लेग्स हैं उनको भी मैंने गोल्डन ही किया है। अब इसके बाद जो ढक्कन है उसको भी अच्छे से हाईलाइट कर लेना है। पहले मैंने ऊपर वाला सेम कलर में कर दिया था, बाद में फिर इसको भी मैंने गोल्डन कलर से ही पेंट कर दिया। और आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और अब ये बनके दोनों जो हमारे ढक्कन हैं वो रेडी हैं। आप देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं। और अब आ रही है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप की, और वो है वॉर्निश। तो अच्छे से इसके ऊपर हम वॉर्निश अप्लाई करेंगे, क्योंकि किचन में यूज़ करना है तो कई बार चिकने हाथ लग जाते हैं या फिर गंदे हाथ लग जाते हैं। तो वॉर्निश से क्या है कि आप उसे आसानी से साफ़ कर सकते हो, आपका जो कलर है वो नहीं निकलेगा, प्लस जो शाइन है वो बड़ी अच्छी आती है वॉर्निश के बाद। तो क्या कोई इसे देखकर कह सकता है कि इसे मैंने कार्डबोर्ड से बनाया है? कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये, है ना? तो आप भी मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ कि आपको ये कैसा लगा। और ये जो डब्बे हैं सिर्फ 10-10 रुपए के डब्बे हैं और ये कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव लुकिंग लग रहे हैं। तो फटाफट से कमेंट करो कि आपको ये DIY कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अच्छे अच्छे कॉमेंट्स ज़रूर से करके जाना। तो चलो अब देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। अब नेक्स्ट DIY के लिए मैं ले रही हूँ ये LED बल्ब का खाली डब्बा। तो करना क्या है कि बस इसको ऐसे ओपन करना है और फेविकॉल की मदद से इन सबको अंदर की तरफ अच्छे से पेस्ट कर देना है। तो जब ये अच्छे से पेस्ट हो जाए और सूख जाए, उसके बाद अब हम इसके ऊपर कलाकारी करेंगे। तो देखिए मैंने चिपका दिया है और ये है कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड के ऊपर का पेपर जब आप रिमूव कर देते हो ना, तो वो कुछ इस तरह का दिखता है। तो अब मैं इसके ऊपर अच्छे से फेविकॉल अप्लाई करूँगी और उसके बाद अच्छे से चारों तरफ से मैं इसके ऊपर इसे पेस्ट कर दूंगी। देखने में आपको ये लगेगा ही नहीं कि इसे आपने कार्डबोर्ड से बनाया है। तो इसी तरह से मैंने एक छोटा ORS का डब्बा लिया और उसे भी इस तरह से कट कर लिया। और सेम प्रोसेस से हम जो कार्डबोर्ड है वो भी इसके चारों तरफ चिपका देंगे। तो बस आपको जो भी आपके पास वाइट ग्लू हो वो लेना है। और जो कार्डबोर्ड है इसको मैंने इसके साइज़ के अकॉर्डिंग ही पहले से कट कर रखा था। तो देखिए इस तरह से ये भी मैंने चिपका दिया और ये बन के रेडी है। अब जब ये अच्छे से सूख जाएगा तो उसके बाद हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे वाइट चॉक पेंट। तो अब मैं यहाँ वाइट चॉक पेंट को यूज़ कर रही हूँ। चॉक पेंट जो होते हैं वो उनका जो टेक्सचर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए मैं उनका आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास चॉक पेंट्स नहीं हैं तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें परचेज़ करें। आप उनकी जगह एक्रिलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। एक्रिलिक कलर्स भी नहीं है तो जो 10 रुपये के पोस्टर कलर आते हैं उनकी मदद से भी आप इसे बना सकते हैं। तो देखिए गोल्डन कलर से मैंने इसको अच्छे से ऐसे हाईलाइट कर दिया है। और इसके बाद मेरे पास एक डेको ट्रांसफ़र शीट, इसको मैंने इट्सी बिट्सी से
मंगाया था कुछ समय पहले, जो इट्सी बिट्सी का हॉल वीडियो किया था ना मैंने, उसमें से आपको दिखाया था। इसे यूज़ करना बहुत आसान है, जो भी आपको डिज़ाइन चाहिए बस उसे कट करना है, और इसके ऊपर ना एक पॉलीथिन चढ़ा रहता है तो उसको रिमूव करना है और पलट के इसको अपने क्राफ्ट के ऊपर ऐसे चिपका देना है। उसके बाद जो स्पॉन्ज होता है ना उसको हल्का सा गीला करना है और इसके ऊपर डैप डैप करके हल्का सा इसको डैप डैप करना है। उसके बाद ये जो पेपर है ना वो बड़े ही आसानी से रिमूव हो जाता है और जो भी आपका डिज़ाइन है वो अच्छे से विजिबल होने लगता है। तो ये देखिए, ये बहुत प्यारे लग रहे हैं ना देखने में। इसको और भी ज़्यादा थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने ब्लैक कलर से डॉट्स लगा दी हैं। कोई ऐसा डॉटिंग टूल मैंने इसमें यूज़ नहीं किया है, बस ये मेरे जो पेंट वाले ब्रश होते हैं ना वही हैं और उससे मैंने ऐसे डॉट बना दिए। तो फटाफट से मुझे कॉमेंट में बताइएगा कि आपको ये आइडिया कैसा लगा, ये DIY पसंद आया या नहीं। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो चलो अब देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो इसके लिए मैंने लिया है ये MDF का जार। इसको मैंने इट्सी बिट्सी से परचेज़ किया था, वो भी सिर्फ 35 रुपीज़ में। तो यदि आपने मेरा इट्सी बिट्सी हॉल वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिएगा, वहाँ मैंने बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में चीज़ें परचेज़ करी हैं। तो ऊपर की तरफ मैं इसके स्काई ब्लू कलर से इसे पेंट कर रही हूँ और नीचे मैंने इसे वाइट ही रहने दिया है। और ये है कुकिंग इज़ लव मेड विजिबल, इसको मैंने इसके ऊपर ट्रेस कर लिया है। अगर आपको जानना है कि मैंने इसे कैसे ट्रेस किया है तो आप मुझे कॉमेंट करिएगा, एक शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कि इसे कैसे किया जाता है। तो बस इसको ब्लैक कलर से मैं अच्छे से आउटलाइन कर ले रही हूँ और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और पता है जब भी मैं किसी ब्रश से काम करती हूँ तो हमेशा इनको छोटी मोटी गड़बड़ हो जाती है, बस जो बेस में जो कलर है उसकी मदद से मैं अपनी गलतियाँ सुधार लेती हूँ। तो ये वही डेको ट्रांसफ़र शीट में से मैंने ये कट किए हैं और इनको जैसे मैंने हमने प्रीवियस जो DIY था उसमें जैसे किया था ना, वैसे ही हम यहाँ भी करेंगे। और ये रेडी है, अब बस इसके ऊपर वार्निश अप्लाई कर दीजिए और आपका जो जार है वो बन चुका है। और आप इसे एज अ फ्रिज मैग्नेट यूज़ करिए या फिर अपने किचन में कहीं डेकोरेट करिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज के चारों DIYs आपको कैसे लगे मुझे कॉमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर से करते जाइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।